आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में, जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अब हम आखिर मोबाइल कैसा लें, हम कौन सा लैपटॉप लें, हम कौन सा DSLR कैमरा लें, वगैरह वगैरह बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। तो आज आप इस वीडियो में आपके सभी कन्फ्यूजनों का जवाब पाएंगे, यानी मैं आपको कुछ ऐसी गाइड, ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप खुद ही अपना मोबाइल या अपना गैजेट चुनने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी बढ़िया वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो इस वीडियो को मैं जल्दी शुरू कर देता हूं, ठीक है भाई। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए आपके काम की वीडियो हमेशा बनती रहती है। प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पाए 100%। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि देखिए, अब अक्सर क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई मोबाइल कौन सा लें। अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत सारा ऐसे वीडियो में आप देखेंगे कि सर हम मोबाइल कौन सा लें, इतने का मोबाइल कौन सा लें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका बजट, आपको किस टाइप का, मैंने मतलब आपकी ज़रूरत क्या है, फिर उसमें आप क्या खासियत देखते हैं, फिर उसका ब्रांड वगैरह चूज़ करके जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, अभी ये बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है और फ्लिपकार्ट का चल रहा है बिग दिवाली सेल, तो इस तरह के और भी चल रहे हैं, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट सामने आ रहे होंगे, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आप कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें। तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसी गाइड बता दी जाए जिसकी वजह से आप खुद अपने फ़ोन को चूज़ करने के सक्षम हो जाएं। आप दूसरे किसी टेक्निकल के भरोसे क्यों रहें, आपको आपका मोबाइल आप खुद ही चुन सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ गाइड, आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, तो जिसमें आप सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको लैपटॉप के बारे में, फिर थोड़ा सा हेडफोन के बारे में बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक हाथ DSLR का ही बता दिया जाए। तो इस तरह से चार अभी कैटेगरी में चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ मोबाइल में भी अलग तीन चार कैटेगरी है, जैसे कि एक आती शो ऑफ वाली की भाई हमको तो फ़ोन दिखाना है बस, कि फ़ोन कैसा भी हो, चाहे उसमें कितनी भी कम रैम हो, कितनी भी कम बैटरी हो वगैरह कुछ भी, और शो ऑफ का होना चाहिए। तो वो ऐसे मोबाइल होता है आईफोन, तो जिसको भी आपको आपकी स्टेटस सिंबल बढ़ाना है तो आप वो आईफोन खरीद लीजिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो भी जैसे गेम खेलने का बड़ा लवर है, बिल्कुल हार्डकोर गेमर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसुस का रोग फोन 2 जो है वो ले लीजिए, वो आपके लिए गेमिंग के लिए बेहतर है। और अगर आपको थोड़ा कम में आना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप 730G जो स्नैपड्रैगन की चिपसेट निकला है उस चिपसेट पर चले जाएं, मतलब उस चिपसेट वाला फ़ोन ले लें, कम रेंज में आपको गेमिंग के लिए वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं जो अपनी नॉर्मल रेंज होती है उसकी तरफ। तो मैं आपको यहाँ पर तीन कैटेगरी और दूंगा, कि पहले अंडर 10K वाले को बताऊंगा, फिर अंडर 15K वाले को बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा अंडर 20K वाले को। बाकी उसके बाद तो फिर आपकी जितना पैसा खर्चा करना आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, इन तीनों को मैं एक साथ बताऊंगा कि आप क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, आप क्या किस कैटेगरी में क्या ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके प्रोसेसर में। देखिए, जो अंडर 10K वाला होगा उसमें आप स्नैपड्रैगन का 600 की जो सीरीज़ होती है, या तो 600 सीरीज़ वाला जो हो या उससे आगे वाला हो, आप सबसे पहले ये देखिए कि उसके प्रोसेसर 600 सीरीज़ का स्नैपड्रैगन का है कि नहीं। और अंडर 15 में आप देखिए कि आपको स्नैपड्रैगन का 660 या उससे ज़्यादा हो या 700 की सीरीज़ हो, तो ही आप उस फ़ोन को 15,000 के अंदर आप लेना चाहिए आपको। और अंडर 20 वाला जो है वो स्नैपड्रैगन 700 या उससे आगे की सीरीज़ वाला ही हो, तो ये प्रोसेसर में आपको इन तीनों में ये प्रोसेसर देखना है। अब रैम रोम की बात करें तो आपको अंडर 10 में आपको 3 या 4 GB की कम से कम इसमें रैम आप ले लें, और कम से कम आपको 32 या 64 इसमें आपको इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। अब अंडर 15 में आपको कम से कम 4 या 6 GB इसकी रैम हो और 64 GB की इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। और अंडर 20 में आपको 4 या 6 GB का रैम हो और 64 या 128 GB की इसकी स्टोरेज हो। और जो अंडर 15 के बाद 20 से अंदर जो है उसमें आप देखिए कि आपकी जो रैम है वो LPDDR4X है, और या फिर आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो UFS 2.1 या 3 वाली हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और बैटरी की बात करें तो अंडर 10K में आप 3500 से 4000 के आगे जितना भी हो सके आप वो देख लीजिए, क्योंकि 5000 की मिल रही है आपको बैटरी 10000 के अंदर, लेकिन उनके दूसरी चीज़ें आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अंडर 15 में आपको बैटरी देखना है 3500 से 4000 के ऊपर,
और आपको अंडर 20 में देखना है, 4000 के ऊपर वाली ही आप बैटरी अंडर 20 में आप लें। और साथ में आप देखिए कि इसमें कार्ड स्लॉट कौन सा है, तो आप तो अंडर 10 में आप 100% ट्रिपल कार्ड स्लॉट पर ही जाएं तो उसमें ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको स्टोरेज कैपेसिटी का अधिकतर 32 ही मिलती है या फिर 64 मिलेगी, तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट वाला लें जिससे आप डेडिकेटेड मेमोरी लगा दें और आप एक्सपांड कर सकते हैं। जो 15 के अंदर है वो भी आप ट्रिपल कार्ड स्लॉट ही प्रिफर करें, और 20 के अंदर वाला में आप या तो डुअल ले लें या ट्रिपल ले लें, क्योंकि 108 आपको 128 आपको वहाँ स्टोरेज मिल जाती है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी ट्रिपल मिले तो बेस्ट है। स्क्रीन की और डिस्प्ले की बात करें तो आपको स्क्रीन का साइज़ जो अंडर 10 में 6.2 या इसके आसपास वाली HD प्लस या फुल HD भी मिल जाए, तो आपको HD प्लस से ऊपर जो भी मिल जाए, चाहे फुल HD मिले फुल HD प्लस मिल जाए अंडर 10 में, वो आप ले सकते हैं। और आपको अंडर 15 में 6.2 से 6.4 के आसपास इंच की जो स्क्रीन होती है फुल HD प्लस वाला ही ले, और अगर उसमें सुपर अमोलेड या अमोलेड वाली स्क्रीन मिल जाए तो बेस्ट है। उसके बाद अंडर 20 में आपको 6.2 से 6.4 इंच वैसे ही और फुल HD प्लस ही हो और सुपर अमोलेड मिल जाए तो बेस्ट है। अब कैमरा की बात करें तो आपको अंडर 10 में ड्यूअल रियर कैमरा कम से कम होना चाहिए, 12 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा का प्राइमरी हो और 2 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा का उसका डेप्थ सेंसर वाला हो तो आपको लिए ज़्यादा अच्छा रियर में, और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल से जो भी मिल जाए ज़्यादा वो आप उस पर चले जाइए। उसके बाद अंडर 15 में आपको ड्यूअल या ट्रिपल कैमरा रियर कैमरा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, 12 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है या उससे ज़्यादा जो भी हो, सेकंड आपका मिले 5 मेगापिक्सल या उससे उसके आसपास का उससे ज़्यादा, और आपको तीसरा कैमरा जो मिले वो 2 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा, क्योंकि डेप्थ और मैक्रो भी इनमें शामिल हो जाते हैं, तो आपको ट्रिपल में देखना चाहिए। और फ्रंट का कैमरा 12 मेगापिक्सल है, 16 मेगापिक्सल है, 32 जो भी मिल जाए वो बेस्ट है, 12 मेगापिक्सल ज़्यादा ही होना चाहिए। और अंडर 20 में आपको फिर से रियर में ड्यूअल या ट्रिपल कैमरा मिल जाए जिसमें पहला जो है 12 मेगापिक्सल उससे ज़्यादा, दूसरा 5-6 मेगापिक्सल उससे ज़्यादा, तीसरा 2 मेगापिक्सल है उससे ज़्यादा, और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा जो भी मिल जाए वो उस पर जाना चाहिए। और दूसरे फीचर की बात करें तो आपको उसमें 3.5mm का जैक, स्क्रीन प्रोटेक्शन और फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अंदर 10K के अंदर ही आपको ये चीज़ें अगर मिल रही है तो ये सारी लिस्ट को देखकर आप अपना फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। अब अंडर 15K वाले के बात आती है तो उसमें आप 3.5mm का जैक देखिए, स्क्रीन प्रोटेक्शन देखिए, फेस अनलॉक वाला देखिए, और फिंगरप्रिंट अगर इन डिस्प्ले भी मिल रहा है या फिर आपको रियर का मिल रहा है तो वो आप ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अंडर 20 में आप देखिए 3.5mm का जैक मिल रहा है, स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल रहा है, फेस अनलॉक मिल रहा है और फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिल रहा है या रियर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें और इनमें मैच कीजिए आप, और आपका जो प्राइस है उनमें देखिए कि कहाँ आपका बैलेंस मिल रहा है, और फिर वो फ़ोन जो आपको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप फिर अपना चाहे तो अपने जो भी ब्रांड है उस पर आप जा सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल ख़रीदने के लिए आपके लिए गाइड, आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो खींच के आप अपने मोबाइल को पसंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ मेरी तरफ से टिप्स गाइड, जो आपको अगर कुछ चीज़ें खरीदनी है तो आपको किसी की मोहताज नहीं होना पड़ेगा, हम जैसे किसी भी यूट्यूब या फिर किसी भी टेक्निकल का आपको मोहताज नहीं होना है, आप ये सारी चीज़ें देखें, आप अपना मनपसंद प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। भाई आपकी चीज़ें आपको कोई दूसरा क्यों थोपे जब आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको क्या लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी बहुत अच्छा मौका चल रहा है, फ्लिपकार्ट और दूसरे अमेज़ॉन या दूसरे लोग भी बहुत सारी छूट और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ इनको देखिए और आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट खरीद लीजिए अगर आपको वो फ़ायदेमंद डील लग रही है तो। तो दोस्तों और भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर मोबाइल और DSLR या फिर हेडफोन प्रॉपर नाम से सजेस्ट करूंगा, उनकी सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये गाइड के रूप में आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन या फिर आपको कुछ हिंट ही दे रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को जल्दी खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाले वीडियो के लिए जरूर इंतजार करें। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद वंदे मातरम, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।